उज्जैन के विक्रमकीर्ति मंदिर सभागृह में आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विजय दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी शामिल हुए। कार्यक्रम में शहर के शहीद जवानों के परिवारों के सदस्यों का सम्मान किया गया। इसी के साथ रिटायर्ड जवानों का भी सम्मान मंच के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि पूरा देश आज विजय दिवस मना रहा है। उन लम्हों को याद करने का दिन है जब 1771 में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने इंदिरा गांधी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे घुटने टेके थे। ये उन विजय लम्हों को याद करने का दिन है। उपस्थित श्रोतागण और छोटू सिंह सीमेन द्वितीय बंशीधर बाल वर्मा सूबेदार मनोहर लाल शुक्ला पूर्व सैनिकों का सम्मान किया जा रहा है। पूरा देश विजय दिवस मना रहा है। उन लम्हों को याद करने का वे समय है जब 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश के इंदिरा गांधी जी के दृढ़ इच्छा शक्ति ने दो टुकड़े कर दिए और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के आगे घुटने टेक के आत्मसमर्पण किया। ये उस विजय लम्हों को याद करने का दिन है। तो पूरा देश बड़े हर्षोल्लास से इस विजय दिवस को मना रहा है। सर, नागरिक संशोधन बिल प्रदेश में लागू हो इस बात को लेकर प्रदेश की जो भाजपा है कल से आंदोलन छेड़ रही है। अब ये आंदोलन करें कुछ करें, एक प्रदेश का मुखिया जो प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है गुण दोष के आधार पर योजनाओं को लागू करता है। हमारे प्रदेश के हित में क्या है ये सोचने का अधिकार माननीय कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री को है और तमाम सारे वो राज्य इस योजना को मानने को तैयार नहीं है जिस जो धर्म और मजहब के आधार पे बनाई गई हो। ये देश सेकुलर है, सांप्रदायवादी ताकतें यहाँ कभी सफल नहीं हो। दिल्ली की जो जामिया यूनिवर्सिटी में जो विवाद है उसको लेकर कांग्रेस भी इसमें कूद गई। आज ही उज्जैन के टावर चौक पर नूरी खान द्वारा आंदोलन किया गया। देखिए, मैं नहीं जानता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, 1977 में इंदौर विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना था। आज भी मेरी मानसिकता एक छात्र की है और स्टूडेंट जब सड़क पर उतरता है तो बड़ी से बड़ी सरकारों के तख्ते पलट जाते हैं। पहली बार मुझे महसूस हुआ मेरे देश के उन छात्रों पे कि पहली बार उन्होंने अपनी ताकत पहचानी है और बिल्कुल सही रास्ते पे। मैं मानता हूँ, मेरी पार्टी माने ना माने, बड़ा नेता माने ना माने, मैं मानता हूँ कि उन छात्रों का जो आंदोलन है बिल्कुल जायज़ है और उनकी मांग एक समय आएगा कितनी भी ताकतवर सरकार हो उसे झुक के मानना पड़ेगा। उज्जैन में माफिया राज खत्म क्यों नहीं हो रहा है? हॉस्पिटल के लिए आज है बड़ी बैठक है, आयुष्मान के अधिकारियों के साथ हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक करके तत्काल कार्रवाई होगी। क्षिप्रा नदी के बारे में आज उज्जैन इंदौर संभाग की एक बड़ी बैठक अधिकारियों की मैंने निर्धारित की है जिसमें टेक्निकल इंजीनियर भी होंगे और एक बड़ी योजना बनाए बिना इसका उद्धार संभव नहीं है। मैंने कहा आप बनाइए और मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी को प्रेषित करिए, कॉपी मुझे भी दीजिए ताकि आने वाले समय में देर जरूर लगेगी लेकिन हम अपनी क्षिप्रा को शुद्ध करें।